मेरी मम्मा ASI हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, तो उनकी वर्दी देखी और स्टार्स वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते थे, तो मुझे हमेशा वर्दी चाहिए थी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर ऑडिट वीडियोस देखती थी, ठीक है, और पूरे प्रॉपर नोट्स बनाती थी, मेरे पास इतनी कॉपीज है, अच्छा, एक एक क्वेश्चन भी लिखा है और सॉल्यूशन, मॉक रोज देना चाहिए, हाँ मॉक तो देना चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मॉक रोज देना चाहिए, उसको एनालाइज का डिस्क्रिप्टिव का स्कोर आया, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभार सैनी है और वर्बल मैथ आभार सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हमारे साथ प्राची त्रिपाठी CGL 2022 की अपकमिंग रैंकर हैं। वो रैंक कितनी आएगी वो आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट टॉप 10 में रहेगी। मैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप अपने बारे में बताइए फिर आप अपना स्कोर बताइए। तो मेरा नाम प्राची त्रिपाठी है और मेरी स्कूलिंग इंदौर से ही हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग करा है STSITS इंदौर से, बीटेक ओके, और CGL 2022 में मेरा स्कोर 350 है। सब्जेक्ट वाइज भी बता दो एक बारी। मैथ्स में 90/90, रीजनिंग में 86, इंग्लिश में 127 और GS में 47 और कंप्यूटर में 38। चलो ग्रेट। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि जब आपने बीटेक करी तो SSC CGL की तरफ कैसे आना हुआ, मतलब जैसे मैक्सिमम लोग जैसे बीटेक करते हैं अब वो SSC की तरफ आ रहे हैं बट हर किसी की अलग अलग रीजनिंग होती है, तो आपकी क्या रीजनिंग है? सर उस टाइम पे प्लेसमेंट में मुझे कभी इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से गवर्नमेंट जॉब का एक चार्म था। मेरी मम्मा ASI हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, तो उनकी वर्दी देखी और स्टार्स वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते थे, तो मुझे हमेशा वर्दी चाहिए थी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था। ओके। और उस टाइम PSC का भी सोचा बट जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि SSC अभी हम करते हैं, अभी कॉलेज में PSC के लिए पढ़ नहीं पाएंगे उतना। फिर SSC में आए तो फिर लगा कि नहीं, SSC का जो सिलेबस है जो उसमें पूछते हैं, जो वो डिमांड करते हैं, वो उसके लिए मैं ठीक हूँ और मैं SSC कर सकती हूँ। तो मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया और ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट है। तो ये जो जर्नी आपकी रही है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या रहा, सेकंड में कैसा रहा, उसको वन बाय वन आप एक बार बताइए। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरे 143 मार्क्स थे और 147 कट ऑफ था। ये कब की बात है? ये है 2019 का मेरा फर्स्ट जो अटैम्प्ट था। फिर 2020 में DV मैंने दिया था बट मेरिट आउट हो गई थी। और 2021 में मेरे मार्क्स मेंस तक अच्छे थे, 506 थे 600 में से, बट मेरा डिस्क्रिप्टिव का स्कोर सिर्फ 35 था, तो फिर मैंने DV स्किप किया। और अब आपका 350 है, 350 है। तो रैंक IQ के हिसाब से कोई रैंक वगैरह? हाँ, फोर्थ रैंक है रैंक IQ के हिसाब से। वो चेंज हो जाएगी, कौन सी तारीख को एग्जाम था आपका? 6 मार्च। 6 को, तो 3 और 6 वालों के वैसे भी बढ़ेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ओके सो अब हम आप ये बताइए कि जब आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था तो वो सबसे पहले शुरू से आप सेल्फ कर रहे हैं, सुपर 100 में कब आए और वो पूरी मतलब वहाँ तक कैसे पहुँचे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट जब था तब तो सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन थी। अच्छा। और प्री था, फिर जब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तब मेरा SSC CPO क्वालिफाई हुआ था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि फिजिकल करते हैं, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया बट फिर समझ में आ गया कि नहीं पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। अच्छा। तो CPO 2 बार क्वालिफाई हुआ था, FCAT क्वालिफाई हुआ था, बट मेरे पापा ने बोला कि अगर डिफेंस में नहीं जाना है तो उसकी एग्ज़ाम मत दो। फिर उसके बाद मैंने डिफेंस की एग्ज़ाम देना छोड़ दिया और फिर मैंने CGL के लिए प्रिपरेशन किया। और जब 2021 का डिस्क्रिप्टिव का स्कोर आया तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। और मेरे फ्रेंड्स ने फिर मुझे काफ़ी समझाया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं ये लास्ट अटैम्प्ट समझ के दे 2022। और फिर मैंने दिया, मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चली गई थी उस टाइम पे। ओके। और मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, जो भी क्लोज वंस हैं उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और हाँ फिर उसके बाद 2022 में। तो आपकी मतलब एक तरीके से ये फर्स्ट जॉब है जो फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर होगा। मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। मैंने NTPC का एग्ज़ाम दिया था। ओके। तो उसमें प्री में भी सारे लेवल का क्वालिफाई हुआ, मेंस में भी।
और फिर मैंने साइको टेस्ट नहीं दिया क्योंकि उस टाइम 21 मेंस का डिस्क्रिप्टिव वो था, मेंस था, 21 मेंस था और उसी टाइम साइको था स्टेशन मास्टर वाला, तो मैंने वो स्किप किया. तो लेवल 5 में मेरी जॉब लगी. लाइक वो टाइपिंग तो मुझसे नहीं हुई बट जो नॉन टाइपिंग की थी उसमें मेरी हो गया फाइनली. वो रिजल्ट था जो फर्स्ट रिजल्ट में मेरा नाम आया फाइनल सिलेक्शन वाले में. बट फिर पता चला कि जब डीवी हुआ तो मुझे डीवी के टाइम 2-4 दिन पहले ही पता चला कि एक्चुअली जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगी थी उन्होंने कहा था कि जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए मार्च 2019 की और मेरी कंप्लीट हो रही थी जून 2019 में. ओके, तो डीवी आउट हो गए. नहीं तो फिर मैं डीवी देने गई नहीं. मैंने कॉल मतलब किया आप उसके उसमें नहीं थे. मैं डीवी में जा नहीं पाई उस वजह से. और वो एक ही टाइम पे हुआ CGL 21 भी, NTPC भी, मतलब जहाँ जहाँ से भी, मतलब जो भी ऐसा होना था वो एक ही टाइम पे हुआ. फिर वो काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम था. बट फिर मैंने पढ़ा और सारे फैमिली फंक्शंस वगैरह सब जाना बंद कर दिया और सिर्फ पढ़ाई की. तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने सबसे पहले जब खुद 2 महीने की तैयारी करी उसके बाद फिर पूरी जान लगा के तैयारी करी, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग फिर कैसे ऑनलाइन में आए, यूट्यूब की हेल्प और कैसे फिर सुपर 100 तक पहुंचे, वो एक बार उसकी भी जर्नी थोड़ी बताइए. तो सर 2019 में तो मैंने ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, 2020 में भी नहीं लिया था. हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते थे तब जब इंदौर में जब 2020 में जब मेंस हुआ तो उसके बाद ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की एक ज़रूरत है, नहीं हो रहा है ऐसे. फिर हमने 21 में मैंने आपका बैच लिया था सुपर 100 का और 21 में मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर भी थे. लाइक 2020 में मेरे 135 थे मैथ्स में और 2021 में मेरे 180 समथिंग थे. तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ मैथ्स की मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है. फिर उसके बाद 2021 में डिस्क्रिप्टिव में वो हुआ, फिर मैं डीवी में नहीं गई और फिर 22 में फिर वो काफ़ी मैंने वो नोट्स रिवाइज किए पूरे. अच्छा, तो 2021 के थ्रू आपको ये चीज़ बनी. ओके, तो एक बार सब्जेक्ट वाइज बताइए कि जैसे क्योंकि 21 में जो एग्ज़ाम था वो अलग टाइप का था, 22 में फिर एक अलग ही चीज़ आ गई जब जैसे पैटर्न चेंज हुआ, तो फिर आपको लगा कि यार मैंने तो तैयारी 21 के हिसाब से कर रखी है. हाँ सर, वो थोड़े दिन सबको लगा. जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया मुझे याद है CHSL का डिस्क्रिप्टिव था और हम जा रहे थे भोपाल और तभी उसी टाइम पे नया नोटिफिकेशन आया और फिर सब लोग ऐसे काफ़ी डिस्कशन करने लगे कि पूरा सब चेंज हो गया है पैटर्न, इतनी प्रिपरेशन की, 3 साल की प्रिपरेशन है, अब क्या होगा. तो मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया. मैंने बोला अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो जो रिपीटर्स है और जो फ्रेशर्स है सबके लिए सेम है. ओके, अब सब जो भी मेहनत करेंगे इन 3 महीनों में बस उसी का रिजल्ट है. तो मैं समझ गई थी कि मैथ्स इतना टफ नहीं पूछेंगे वो और मेरी प्रिपरेशन है काफ़ी. तो मैंने रीजनिंग पे बहुत फोकस किया और मैंने रीजनिंग में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो SSC नहीं पूछता है वो सब मैंने प्रिपेयर किए और एनालॉगी और जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे, वीक टॉपिक्स थे, वो मैंने प्रिपेयर किए और GK पे मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फोकस किया. तो आप सब्जेक्ट वाइज एक बार बताओ स्ट्रेटेजी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने GK के लिए, सबसे पहले GK की बात करते हैं, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा. GK जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज किया. जो भी नोट्स कहाँ से पढ़ा था पहले, नोट्स YouTube से पढ़ा था. अच्छा, लूसेंट पढ़ी थी वो सारा रिवाइज किया. लूसेंट में जो लास्ट में जो स्टैटिक GK होता है वो मैंने अच्छे से पढ़ा था. ओके, और पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर थी वो मैंने पूरी बुक पढ़ी थी. अच्छा, और करंट अफेयर वगैरह, करंट अफेयर आपके जो PDF थे उससे काफी हेल्प हुई और स्पीडी मैंने पूरी पढ़ी थी. स्पीडी, ठीक है. तो ये आपकी मतलब ये रही कि आपने लिमिटेड सोर्सेज रखे, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रीवियस ईयर से बार बार कोई भी किताब, जैसे प्रीवियस ईयर या पिनेकल बोल रहे हो उससे बार बार आप देखते रहे. उसमें डिस्क्रिप्टिव जो नीचे स्कोर कितना बताया आपने GS में, 47. अच्छा, और मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी, स्टेट 1x1 GS में ये था. मैथ्स की आपने बताया पहले आप मतलब आपका काफ़ी वीक रहा, 130 पे थे पहले आप, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी, कैसे 180 पे कैसे पहुँच गए एकदम से. 180 कितने, 182 थे शायद. अच्छा, सर आपकी वीडियोस देखती थी क्लासेस, ठीक है. सुपर 100 का उसको यूटिलाइज कैसे, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे सुपर 100 में जैसे हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो बैच तो ले लेते हैं लेकिन उनको किस हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए, उसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही. सर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी,
ठीक है, और पूरे प्रॉपर नोट्स बनाती थी। मेरे पास इतनी कॉपीज है। अच्छा, एक एक क्वेश्चन भी लिखा है और सॉल्यूशन भी है। और ये फोटो भेजना आप। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। वो है, फिर मुझे किसी ने बोला कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो मैंने प्रिंट आउट निकाला, उसमें स्पेस होती थी, आप जो पीडीएफ प्रोवाइड करते थे बिना आंसर वाली करती थी, बिना आंसर वाली। अच्छा, उसमें आप सॉल्व करते थे। हाँ। तो मतलब सिर्फ आपने नोट्स पढ़े उससे इम्प्रूव हो गई। हाँ। मॉक वगैरह, मॉक्स भी तो मैं रोज देती थी। मॉक टेस्ट आप देते? हाँ, रहे। हाँ। सारे तो... मॉक लिए थे मैंने। अच्छा। हाँ, और फिर मैं ये समझ गई थी कि लास्ट में कि टेस्ट बुक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैंने पहले दिया। सब लोग 22 की बात कर रहे हो आप, 2022 में। हाँ। सब लोग टेस्ट बुक का जो था थोड़ा हार्ड था, बट मैंने वो दिया क्योंकि पता नहीं था कि किस लेवल का पेपर होगा। हाँ। तो मैंने टेस्ट बुक के मॉक्स दिए। हाँ। लास्ट में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने ऑलिव बोर्ड में मेरा स्कोर और रैंक अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने लास्ट। कितनी आ रही थी आपकी रैंक? मेरी 9 और 5। अच्छी रैंक। हाँ। मतलब आपको पहले ही पता चल गया था कि 22 में चांसेस हैं कि आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। हाँ सर, मेरा तो यही था कि बस जॉब मिल जाए, मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मतलब आप ये कह रहे हो कि जीके की ये स्ट्रेटेजी, मैथ्स में आपने सिंपल कोर्स किया, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्यूशन लिखा आपने। मतलब जो हम दो तरीके की पीडीएफ देते हैं, एक में सॉल्यूशन लिखा होता है, एक में नहीं लिखा होता। आपने ना लिखे वाली में अपने आप लिखा, उसका प्रिंट आउट निकाल के, और उसको आप जब एक्सप्लेन करते थे तो जो मुझे आता था वो मैं सॉल्व कर लेती थी, जिसमें डाउट होता था आप बताते थे, मैं उसको सॉल्व कर लेती थी। ओके, ग्रेट। और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रही? रीजनिंग में आप बोल रहे हो कि मैंने पहले भी समझा और जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो थोड़ा और बेटर किया, वो क्या करा आपने? सर, जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो समझ में आ गया कि रीजनिंग में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। तो एनालॉगी, सीरीज, जो टफ टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक, वो मेरे कभी भी उतने स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि पहले प्री के हिसाब से पढ़ते थे। हाँ। तो उतना फोकस नहीं हो पाता था। हाँ। बट अब पता चल गया कि कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि वो ज्यादा एनालॉगी और सीरीज से पूछ ले। बिल्कुल। तो मैंने 2022 के जब मेंस था, तब मैंने ज्यादा प्री था, मैंने प्री पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। ठीक है। और मैंने उस टाइम रीजनिंग पढ़ी। ठीक है। मैथ्स नहीं पढ़ी, सिर्फ रीजनिंग पढ़ी। और मेरा प्री में 50/50 था रीजनिंग। ओके, ठीक है। और आपका जो बाकी जो टॉपिक है, जैसे इंग्लिश का क्या था? इंग्लिश शुरू से बढ़िया रही है या सो रही है, फिर उसमें भी आपकी मेहनत लगी? सर, इंग्लिश में ऐसा था कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम नहीं आई। जो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो मैं हर बारी पढ़ती थी, हर पेपर से पहले। हाँ, हर मेंस के पहले वो मैं पढ़ती ही थी, चाहे मुझे कितना ही आता हो मैं उसको फिर भी पढ़ती हूँ। बाइबल है। हाँ, वो बाइबल है, वो मैं एक एक क्वेश्चन उसके सॉल्व करती हूँ और उसको अच्छे से पढ़ती हूँ, और ब्लैक बुक का प्रीवियस ईयर वोकैब। अच्छा, आपने दो बुक से पढ़ा एक, इसका मतलब। और मॉक, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट वो अलग से दिए इंग्लिश के या नहीं, इस बार? नहीं, जो मॉक होते हैं नॉर्मली उसमें जो गलत होता है और जैसे बस। ओके, और कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर भी आया इस बारी? सर, जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ मुझे पता था कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत करेगा वो कंप्यूटर ही होगा। हाँ। तो मैंने जहाँ से भी जो भी पीडीएफ मिला वो मैंने पढ़ा सारी। मैंने, हाँ, मतलब जहाँ से जो भी सोर्स मिला मैंने वो पढ़ा, और मैं प्री टाइम से पढ़ रही थी। अच्छा, आप पहले से पढ़ रहे थे? हाँ, जैसे नोटिफिकेशन आया मैंने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मतलब मुझे पता था कि मुझे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने वाली। हाँ, आपको पता था कि प्री तो मैं निकाल ही लूंगी। हाँ, तो मेन उस चीज का। हाँ। सब लोग ये फॉलो ना करें जिनको लगता है कि हाँ कंप्यूटर में मेरे हिसाब से टाइम देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप शुरू में, क्योंकि आप समझ गए थे कि पहली बार है सर, तो बंदा डरता है। मैंने कभी पढ़ा नहीं था ना कंप्यूटर। हाँ। इसलिए तो फिर आप ये बोल रहे हो कि कोई ऐसी खास स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करी, कहीं से भी पढ़ लिया? स्ट्रेटेजी बस इतनी है कि जो एक्सपीरियंस है उनको पता है कि उन्हें क्या नहीं आता, बस उतना ही करना है, जो आता है वो तो बनी जाना है। और कोई आपने पोस्ट अभी डिसाइड करी है कि कोई, या फिर अभी कंफ्यूजन में ही हो? सर, अभी तो बहुत कंफ्यूजन है। ओके, तो मतलब अभी डिसाइड नहीं है। चलो, जो भी लो एक अच्छा डिसीजन लो, ठीक है। और आप लोग आए हो इतनी दूर से, ये लोग काफ़ी, मतलब कितना ट्रैवल करके आए हो आप लोग? ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, अच्छा, काफ़ी दूर से आए हैं आप लोग, और स्पेशली मिलने आए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि ये तो टॉपर रहने ही वाले हैं तो मिलवा देते हैं। आप कुछ और, कुछ ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछी हो आपको रखनी हो, या कुछ भी सजेशन देना हो वो आप बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि कंसाइज ही रख रहे हैं हम पूरी डिस्कशन। सर,
कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रही मेरी जर्नी में, वो चीज़ हमारे को भी बतानी चाहिए वो चीज़? सर मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो एकदम सबसे अलग नहीं हो जाना चाहिए कि फ्रेंड्स और सबको अवॉइड करना, फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा वो मतलब आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो अगर आपका मतलब एकदम कट ऑफ नहीं हो जाना चाहिए सबसे, और फिर अपना वीक पॉइंट पता होना चाहिए, लाइक अपने बारे में सच पता होना चाहिए कि ये मुझे नहीं आता और मुझे इस पे फोकस करना है, झूठ नहीं बोलना खुद से, झूठ नहीं बोलना खुद से। मुझे पता था कि रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम आनी है, कंप्यूटर मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ना ही है, ठीक है, और वो कैब रिवाइज करनी है चाहे कितनी आती हो, तो बस वही स्ट्रेटजी है, जो नहीं आता वो पढ़ना है। ओके, और बाकी मॉक से तो एनालाइज हो ही जाता है। ठीक है, तो मतलब आपका काफ़ी लंबी जर्नी रही, और कितने एग्ज़ाम दे दिए आपने, कितने एग्ज़ाम के बाद जाके ये जॉब लगी है, काफ़ी एग्ज़ाम? पहले स्टार्टिंग में बहुत एग्जाम देते थे, फिर पता चल गया कि सारे एग्जाम देने से कुछ नहीं होना है, जो आपका ड्रीम है आपको उसी पे, क्योंकि हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी अलग होती है, अगर आपने क्लियर कर भी लिया तो भी आप ड्रीम पोस्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल, तो एक ही एग्जाम पे अगर हमने भी सीजीएल पे कॉन्सेंट्रेट किया होता स्टार्टिंग से, और हर प्री निकलने पे या किसी भी चीज में क्वालिफाई करने पे खुश नहीं होते इतना, तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, ऐसा मुझे गाइडेंस का भी रोल रहता है। हाँ, थोड़ा गाइडेंस का होता है, तो सही गाइडेंस हो और सच पता हो, मॉक रोज देना चाहिए। हाँ, मॉक तो देना चाहिए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मॉक रोज देना चाहिए, उसको एनालाइज भी करना चाहिए, और बस आपके वीडियोस बाकी सारा गाइड कर ही देते हैं। वो तो कह रहे हैं, और तो कुछ आपको शेयर करना है कुछ और, एनीथिंग एल्स जो बताना हो कुछ भी, कि भाई ये चीज़ मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत करती थी और मैंने उसको ऐसे किया? आपने एक तरीके से जब ग्रेजुएशन कर ली तो उसके बाद आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो जो डिप्रेशन वाला टाइम था वो सबसे बड़ी हर्डल आई थी, और उससे निकले आप? निकले सर, ऐसा होता है ना कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पढ़ना तो है ही, आपको सुनना भी बहुत है। आपको बहुत सुनना है, आपको सब सुना के जाएंगे, जिसको कुछ नहीं भी पता है ना वो भी आपको सारी बातें बता के जाएगा, और आपको सिर्फ सुनना है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो उस फेज से निकलना, मुझे लगता है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है उस चीज़ से निकलने के लिए, और वो बहुत एक लग की बात है कि आपके पास अच्छे लोग हैं। कई लोग तो साथ वाले ही सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड्स ही धोखा दे देते हैं और नहीं कर पाते, तो मेरे को लगता है कि अच्छे फ्रेंड्स हैं इस वजह से आपको फ़ायदा हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल आपको पता है कि हर जगह फैला हुआ है कि जो 2022 के टॉपर्स हैं उनको थार मिलेगी, आईफोन मिलेगा, ट्रिप मिलेगी, तो ये आपको तो पता है कि आप टॉप 10 में रहने ही वाले हो, बल्कि कम भी, मतलब हो सकता है कि टॉप 5 में ही आ जाओ, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ हो, मतलब ऐसा क्यों? ये सवाल मैं पूछता हूं। आपसे मिलना प्राइसलेस है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और आईफोन और गाड़ी की बातें तो वो मेरे पास है। चलो ग्रेट, ऑसम। हाँ, मतलब ये इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आजकल इस चीज़ का बहुत मार्केट में फैला हुआ है, तो मैक्सिमम टॉपर्स हर तरीके के टॉपर्स हैं, कुछ आप जैसे टॉपर्स हैं जो बिल्कुल जहाँ से पढ़े हैं वहीं पर आकर उनको पता है कि हाँ हमारी लॉयल्टी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ से भी पढ़े हैं। एक नेचर होते हैं ना कि होने के बाद तो सब हमने ही किया था, तो वो चीज़ होती है, तो क्रेडिट देना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच प्राची, आपने हमें थोड़ा बहुत जो भी आप हमने मदद करी उसका क्रेडिट दिया, और अच्छा खासा डिस्कशन किया इन्होंने, सब कुछ बताया बिल्कुल सच, ठीक है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, प्राची के पास टाइम होगा, बिजी पर्सनैलिटी है, तो टाइम निकाल के आपको जवाब दे देंगी, ठीक है। बाकी जब टॉपर बन जाते हैं तो चैनल भी बना लेंगे अपना, हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और कुछ मेरे हिसाब से और कुछ रहा नहीं, सब कुछ पूछ लिया। मेन बात यही है, इस इंटरव्यू का आउटकम ये है कि आप सबको लगे रहना है। अगर कोई इंसान 19 में आउट हो गया, फिर 20 में भी आउट हो गया, अगर जर्नी आप देखें, ठीक है 21 में भी इशू हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, आउट हो गए, तो 22 में रैंकर वाली उपलब्धि तब मिली क्योंकि उसने रास्ते में छोड़ा नहीं,
ठीक है, और उस बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। लोगों को लगता है आजकल के डिप्रेशन तो हर कोई नॉर्मल सी बात है, बट ऐसा है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। अब धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, ठीक है, तो वो डिप्रेशन से बाहर आना और उसके बाद रैंक अचीव करना इज़ कमेंडेबल, ठीक है, तो सैल्यूट है हमारा, ठीक है। और लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल, ठीक है, तुम लोगों का खून कब खोलेगा, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही मुझे बोलना था, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।